जनपद बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा में जल ससीरा तुन्नबी व नातिया मुशायरा में अनीस मंसूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने शिरकत की। इंतजामिया कमेटी ने पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी का माला व शाल पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तालीम के मैदान में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। सरकार ने अभी मदरसों को बंद किया, अभी परसों फैसला आया 16,000 मदरसे बंद कर दिए गए। आप बताइए किस कौम के ठेकेदार ने आवाज लगाई? अनीस मंसूरी। सबसे पहले अगर कौम को कोई बात आती है तो आप हमारा पढ़ते होंगे, अखबारों में अक्सर टेलीविजन पे देखते होंगे, सबसे पहले मुखालफत मैं करता हूँ। और मैं मध्य प्रदेश में था, सागर में जब फैसला आया मैंने वहां प्रेस के माध्यम से मैंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद दिया कि आपने कम से कम कुछ तो रखी राज। उन मदरसों की बात हो रही है लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। हमारे लोग तालीम के मामले में एकदम पीछे होते जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपके पास न तो जमीन है, न जायदाद है, न कमाई संसाधन है। हम कष्टकार और मजदूर तबका लोग हैं और हम बड़ी खर्चीली शादियां भी करते हैं, बच्चों के बढ़िया चीज भी पहनाते हैं, बेटियों को महंगे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन जब तालीम की बारी आती है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। कुछ दिन तक छोड़ा, हाईस्कूल कर लिया, मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, नहीं यहाँ छोटा काम, नहीं ऑटो चलाने लगा, पंचर बनाने लगा। ऐसे में कौन तरक्की नहीं कर सकती मेरे दोस्तों। हमको सोचने की जरूरत है कि आज वो चमार का बच्चा, वो दलित के बच्चे, जहां उनके यहाँ लाइट नहीं है फैमिली में पढ़ते हैं, आज वो IAS हो रहे हैं, PCS हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, वो सभी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। एक दो पैंट शर्ट में वो पूरा साल काट देते हैं। हमारे बच्चों को तो हर शादी में, हमारी बेटियों को हर शादी में नए कपड़े चाहिए। ये शादी में फॉर्म गए थे, फॉर्म नहीं देखा होगा हम पहने।